जी आपने सुना, वो कहती मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा और मुझे तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, किसी की क्या मजाल है जरूरत है। और देखिए पता नहीं कितने ये हजार है या लाख पौंड, मुझे तो समझ भी नहीं है, मैं तो गिन भी नहीं सकता। और ये पता भी, मैंने तो कोई इंग्लैंड का पौंड देखा भी नहीं अभी तक। लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि आप देखें कि हम लोग अपने पासपोर्ट का और अपनी दुनिया में क्या समझती और हम क्या कह रहे हैं। ये एक टिकटॉकर लड़की है, इसको इसने तो वैसे रूटीन में बात की ना कि जनाब पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो ग्लोबल रैंकिंग है, वो कह रही है ना पाकिस्तानी पैसे की वैल्यू है और ना आपके पाउंड उसकी पासपोर्ट की वैल्यू है। और ये बात बहुत सही कह रही है ये, क्योंकि आपने अगर बाहर जाना हो मुल्क से, तो आपने लेट से अगर बाहर जाना है तो आपको 6,000, 5,000, 4,000 डॉलर चाहिए, तो आपका मतलब है आपको 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख रुपए, $5,000 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए पाकिस्तान में, जो कि 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। फिर भी इवन आज के दौर में भी पाकिस्तान में बड़ी महंगाई है, बड़ा कुछ है, लेकिन ये बहुत बड़ी अमाउंट है 10 लाख रुपए। अच्छा अब देखा जाए एक गरीब आदमी के लिए, एक एवरेज जनरल बंदे के लिए, जिसके लिए वाकई चैलेंजेस हैं। अभी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ने कहा है जनाब के पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो पिछले 3 कंसेक्यूटिव 3 सालों से एक ही पोजीशन पे है, क्योंकि हमारी जो ऑन अराइवल एक्सेस है वो नहीं बदली बल्कि कम हुई है बहुत सारे मुल्क जगहों में। तो ये जो एक पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, अब देखें, अब हमें आपको पता है कि सारे जो सियासतदान है ये कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं जनाब जब हम पाकिस्तान में आएंगे। इमरान खान साहब को अगर आप जस्ट याद करें, वो कहते थे जब MPTI की हुकूमत आएगी तो लोग ग्रीन कार्ड को छोड़ के पाकिस्तान आएंगे, लोग बाहर के मुल्कों को छोड़ के पाकिस्तान आएंगे, लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे और पाकिस्तान की वो हालत होगी कि यहाँ पे गोरे पाकिस्तान में नौकरियां लेने आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा है, ये इमरान खान साहब और उनकी सरकार और ये सारे लोग कहते थे, लेकिन ये कंजेक्टिव 3 सालों से बात ये नहीं है कि इमरान खान क्या कर सकता है। जारी बात है इमरान खान 3 सालों में पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदल सकता, वो कहाँ से चीजें लेके आए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, वो कहते हैं कि क्या इस पाकिस्तान ऑन राइट डायरेक्शन, आर दी इंडिकेटर्स गुड, डू वी हैव राइट स्टैटिस्टिक्स फॉर रनिंग द कंट्री, और इज कंट्री मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं, आपके जो इशारे होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, या आपका जो फोरकास्ट होता है वहां से आप मेजर करते हैं। आप ये नहीं कह रहे, जारी बात है वी आर नॉट जस्ट आस्किंग इमरान खान ने 2 साल में क्यों नहीं हर चीजें बदल दी हैं, 4 साल में क्यों नहीं हर चीजें बदल दी, बट दिस इज समथिंग विच इज ऑफ वैल्यू, और दिस इज समथिंग जिसे मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स या कोई और पासपोर्ट हमारे से कम जो है वो या वो है सीरिया है, अफगानिस्तान है और आई थिंक इराक है, ये 3 ममालिक हैं और इसके ऊपर हम हैं, ये हमसे नीचे हैं। और इन 3 मुल्कों के आपको पता है कि क्या सिविल वॉर चल रही है और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं है, और कहाँ जापान है और सिंगापुर है कि दुनिया के 192 ममालिक डेस्टिनेशन में वो जहाँ मर्जी जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या पाकिस्तान इसी तरह दुनिया में इस पासपोर्ट की इज्जत होगी। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहा करते थे कि वो देखें मैं ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हुआ करेगी और ग्रीन पासपोर्ट जो है वो उसकी वैल्यू होगी। अगर आपको याद हो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है सबा कमर, उन्होंने कुछ अरसा पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं शायद इंडियन क्रू के साथ कहीं काम करती थी, कोई शायद किसी ड्रामा में या वेंचर में या मूवी में किसी में काम करती थी। तो वो कहते थे कि जब हमारा ग्रुप हम जहाज में लैंड करते थे तो चेकआउट करना होता था, तो सारे लोग चेकआउट करते थे,
तो जो इंडियंस होते थे वो निकल जाते थे, मेरा पासपोर्ट मुझे वो देख के कहते थे सैटते हो जाओ। तो ये जो चीज है, अगर आप इसको इमेजिन करें कि आप मोटरवे पे जा रहे हैं, किसी बड़ी हाईवे पे जा रहे हैं और बड़ी स्पीड से गाड़ी जा रही है, और आपको मोटरवे पुलिस वाला या जो हाईवे पुलिस जो है वो खड़ी हो और आपको कहे साइड पे हो जाए, तो आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं कि यार देखो सारी गाड़ियां जा रही हैं पते पर मिनू ना थले ला लिया। ठीक है जी, अब यही बात है कि आप अमेरिका जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, कहीं और किसी जनाब यूरोपियन पेरिस में कहीं उतर रहे हो, बर्लिन में उतर रहे हो, और आपके पासपोर्ट को वो कहें जनाब साइड पे आ जाए, तो होता तो है ये एक बेसिकली, ये तो हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ना कि देखिए हुकूमत क्या कर रही है, या हम ये वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी हमारे सियासतदान हमें ख्वाब दिखाते हैं। बेसिकली इन्होंने हमें ख्वाब दिखा दिखा के मारा है, और हम एक हमें ख्वाब दिखाता है हम उसके पीछे भागते हैं, फिर दूसरा ख्वाब दिखाता है उसके पीछे भागते हैं, तीसरा ख्वाब दिखाता है हम उसके पीछे भागते हैं, और सब फेल होते हैं एट ए टाइम। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मुल्क इन्होंने इसी तरह चलाना है, अगर कर्जे लेके मुल्क चलाना है वो, तो फिर मैं भी चला सकता हूँ, कोई जायद बकर किसी को भी आप बताएंगे, टॉम डिक हैरी सारे आ जाएंगे और कहेंगे लॉ जी चलाना है, क्योंकि पैसे तो है नहीं है, लीडरशिप तो होती है। लीडरशिप का क्या काम होता है, लीडरशिप देती है विजन, लीडरशिप आपको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट देती है। ठीक है जनाब, लीडरशिप ये नहीं कहती कि क्या उसे बोलते हैं हमें हमें किस तरफ जाना है, लीडरशिप हमें एक 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 डायरेक्शन देती है। ठीक है जनाब, लीडरशिप हमें एक रास्ता देती है, हमें एक बताती है कि भाई आपकी मंजिल क्या है, हम किधर जा रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या है। मैं एक कुछ महीने हो गए क्योंकि आजकल सारी दुनिया पाकिस्तान का रिव्यू कर रही है हर मुमालिक फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तो कुछ महीने पहले मैं एक मिला एक साबक वफाकी वजीर से मिला, तो उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा यार ये इमरान खान जो है ये मजहब कार्ड बहुत खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा बेसिकली इमरान खान अनफॉर्चुनेटली है ही मजहबी बंदा, वो मजहब कार्ड खेल नहीं रहा, वो बेसिकली तो वो मजहब ही उसकी, वो है ही मजहबी बंदा, वो इसी तरह का है। लेकिन मजे की बात यह कि उन्होंने किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि वो मजहबी बंदे भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तो शुरू से कह रहे थे कि यार ये इसी तरह के बंदे हैं। सो वो जो कहानी शुरू से है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान का पासपोर्ट किस तरह का होगा, क्या पाकिस्तान का पासपोर्ट वो होगा जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने एक आइडियोलॉजिकल नेशन बनना है, या पाकिस्तान ने एक थियोलॉजिकल स्टेट बनना है, या पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो उसकी उसकी डिफरेंट हो सकती शक्ल होती है, उसकी वैल्यू होती है, अगर हम मॉडर्निस्टिक फ्लेक्सिबल एक प्लुरलिस्टिक इस्लाम जो है उसको अडॉप्ट करते, ना कि हम एक थियोलॉजिकल या जो एक रिलीजियस इंटेलिजेंसिया है वो उसके कहने पे हम जो है वो फॉलो करते, और अपना एक जो एक 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 डिफरेंट हम दुनिया में आ गए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान अगर एक मॉडरेट लिबरल नैरेटिव अडॉप्ट करता तो शायद एक हमारा फ्यूचर और होता, हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क होते, हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप ना आती, मिलिट्री कू ना होते, हमारे मुल्क में जो है वो एक स्टेबिलिटी रहती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कहते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती, तो आज हम ये जो हमारा पासपोर्ट, ये जो लड़की जो टिकटॉकर है ये जो लड़की है ये इस तरह बातें ना कर रही होती, या पूरी दुनिया में इस तरह हमारे पासपोर्ट जो है वो ना, आज हम बात कर रहे हैं जब इमरान खान साहब पावर में है तो वो कह रही है कि मैं इतना ज्यादा पैसा जो यहाँ से लेकर निकल आई हूँ मुझे किसी ने रोका नहीं, और किसी की जरूरत आपको पता मुझे कोई नहीं रोक सकता, इसने इंसल्ट की सबकी। तो फिर जो FIA हमारे यहाँ पे साइबर क्राइम के अदारे हैं उन्होंने कहा यार एडीबीसी कर गई, ये तो सारी जुतियां ही मार्केट और गई है, सो लेट्स फाइल अ केस अगेंस्ट हिम एंड लेट्स आस्क हर कि आप हमें बताएं कि पैसा कहाँ, वो लंदन बैठी हुई है, तो वो तो कहती है मैं वो, अब वो सारी बात कोई और बात करेगी, रिसोर्सेज वो कुछ और शेयर करेगी, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि हमें जो है ओवरऑल दुनिया में दिस इज हाउ वी आर व्यूड, हमें दुनिया में इस तरह देखा जाता है। ठीक है कि वो जो सबा कमर कहती है कि इंडियन क्रू गुजर जाता था और मुझे कहते थे साइड से हो जा, दैट इज व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। लेकिन हमने ना तो रास्ता तय किया है, ना मंजिल तय की है, ना मुतय्यन किया है, क्योंकि हमें अशारी वो जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बताते हैं कि वी आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। अगर मैंने एक दफा अपनी की बैठा हुआ था और कुछ काफी लोग थे वहां पे, तो मैंने एक क्वेश्चन किया कि मैंने कहा हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, तो नोबडी रेज्ड अ हैंड, and they were all representing youth. तो
तो इट मीन्स के ऑब्वियसली जो एक बड़ा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो पर्टिकुलरली यूथ है, जो कल भी हमने इकोनॉमी की बात की कि आज भी 31% जो डिग्री होल्डर हैं वो बेरोजगार हैं। अब वो 31% डिग्री होल्डर जो हैं वो हैं ही कितने बेचारे। देखें जिस मुल्क के अंदर 10% ऑफ द यूथ जो है दैट मेक्स टू द हायर एजुकेशन, और उसमें से भी 10% ऑफ द यूथ, 10% उसमें वो जो है हायर एजुकेशन में जाती है, बाकी के पास तो डिग्रियां भी नहीं है। एंड देन उनमें से भी अगर 31% वेले बैठे हुए हैं, और जारी बात है वो जो नौकरी मिली है कौन सी स्टैंडर्डाइज या उस तरह की मिली है वो भी एक क्वेश्चन है। तो ये बड़े एक जैसे आप कह लेना कि बड़ी अचंभे की बात है और बड़ी तकलीफ दे और शर्मिंदगी की बात है कि आपको हर जगह जो है वो कहना पड़ता है, तरले करने पड़ते हैं, आपने इतना कुछ किया है। जैसे वो कनेडियंस कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ना जाएं, वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, वो हम क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। हम तो आज तक बहुत सारे ममालिक को ये नहीं कन्विंस कर सके कि वो पाकिस्तान के बारे में अपनी ट्रैवल एडवाइजरीज ठीक करें। हमें मुझे तो इस चीज़ का अंदाजा नहीं है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये बात करते हैं कि नहीं करते, वो होस्ट गवर्नमेंट से हमारे एम्बेसडर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते कि ट्रैवल एडवाइजरीज ठीक करें। अगर वो नहीं करते तो हम क्या उनसे फिर मुज़ाकरात करते हैं, क्योंकि वी शुड स्पीक टू देम, वी जस्ट मेक आ केस इन फ्रंट ऑफ देम। हमें अपना केस रखना चाहिए उनके सामने कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या सोच है, ये हमारे क्या आगे आइंदा आने वालों दिनों में हमारी जो नीड्स हैं। आई थिंक ये दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जब तक मुल्क की एक डायरेक्शन तय नहीं होगी, आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर नहीं होंगे, एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक सस्टेन्ड पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं होगी, और जब तक ये बातें पाकिस्तान में होनी बंद नहीं होंगी कि हुकूमतें जा रही हैं, हुकूमतें आ रही हैं, हुकूमतों को लाया गया, हुकूमतों को भेजा जाएगा, तब तक स्टेबिलिटीज नहीं आ सकती। और तब तक पासपोर्ट के बारे में इसी तरह बातें होंगी, इकोनॉमी के बारे में इसी तरह बातें होंगी। This is something which we should be very careful, and I am sure कि हम सबको तकलीफ जरूर होती है, ठीक है, जब हमारी globally respect नहीं होती या हमारे मुल्क के बारे में लोग बात करते हैं, लेकिन things can only change if we will do something, if we make a impact, if we do our part of the job. अगर हम अपनी part of the job करते हैं तो things will be good. Obviously वो कहते हैं hope is not a policy, hope कोई policy नहीं होती, unless we really do work, we do something. So let's hope कि अगर ये खातून अगले दिन थोड़े दिन पहले यहाँ से इतना पाउंड यहाँ से निकाल के ले गई हैं, और इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो शोर मचा रही है कि हम जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होने देंगे और फलां चीज नहीं होने देंगे और FATF लहदा हमारे पीछे पड़ी हुई है और दुनिया लहदा पड़ी हुई है, और वो देखें वीडियो बना के वो कह रही है मैं ले गई है पैसे जो करना है कह लो और मुझे कोई नहीं पूछ सकता। सो ये दो पाकिस्तान है, एक गरीब का पाकिस्तान है और एक वो इन्फ्लुएंशियल लोगों का पाकिस्तान है जिनको वो जहां मर्जी जो मर्जी करें। सो दिस इज समथिंग, अगर इसको ना रोका गया तो वो भी बात है, इंडिकेटर्स ठीक नहीं है, उन इंडिकेटर्स को ठीक करना जो है वो हमारे लिए जरूरी है इफ वी रियली वांट आवर पासपोर्ट्स वैल्यू टू बी बेटर इंटरनेशनली। थैंक यू वेरी मच।